पहले जो है सूरज की तरह तपना होगा। जैसे सूरज जो है जितना चमकता है, अगर आप सूरज की तरह जो है अपने आप को चमकाना चाहते हो तो आपको सूरज के भांति ही आपको जो है तपना होगा, उतनी ही आपको जो है कड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार जो है एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे वनगमन के लिए, दूसरे गाँव के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में देखिए एक नदी आती है, तो गुरु जी जो होते हैं उस नदी पर विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं, साथ ही वहाँ पर पानी पीते हैं और हाथ वगैरह धो के जो पूजा पाठ करके अपना वहाँ पर जो है विश्राम करने के लिए अपना आसन बिछा देते हैं और वहाँ पर ही बैठ जाते हैं। जो दूसरे हैं शिष्य थे वो भी सेम इसी प्रकार का जो है कार्य करके हाथ मुँह धो के अपना आसन बिछा कर उस गुरु जी के जो पीछे हैं बैठ जाते हैं। और गुरु जी जो होते हैं वो निरंतर उस नदी की तरफ देखते रहते हैं, निरंतर उस नदी की तरफ देखते रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस उस नदी का जो प्रवाह है बस उसी प्रवाह की तरफ जो है अपना देखते रहते हैं। और जैसे शिष्य के मन में अगर बात भी आती है कि गुरु जी हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें दूसरे गाँव जो है जाना है, लेकिन गुरु के आगे किसी के बोलने की जो है साहस नहीं होता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने गुरु जी से ये शब्द पूछें कि हम रुके हुए क्यों हैं। देखिए दिन से रात बीत जाती है, रात से दिन बीत जाता है, लेकिन जो है गुरु जी भी वहीं बैठे रहते हैं, रात को विश्राम भी नहीं करते हैं, और जो शिष्य है वो भी वहीं बैठे रहते हैं, और साथ ही जो है किसी की हिम्मत भी नहीं होती है ये पूछने की। अंत में एक शिष्य होता है, वो साहस करके गुरु जी को पूछता है कि गुरु जी हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं, हम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं, हमें अभी दूसरे गाँव जाना है और हमें वहाँ पर अपना कार्य जो है अगला कार्य है वो भी करना है, हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो गुरु जी उसको जवाब देते हैं कि मैं जो नदी का प्रवाह है उस प्रवाह का जो है रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं इस नदी के प्रवाह का रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। तो वो शिष्य फिर से क्वेश्चन पूछता है, फिर से अपना प्रश्न रखता है कि गुरु जी ये नदी तो निरंतर चलती है, ये कभी जो है रुकती नहीं है। तो वो शिष्य वो गुरु बोलते हैं कि देखिए आज की जो है आपकी शिक्षा है वो आपको मिल चुकी है, अपना कार्य जो है निरंतर करते रहिए, किसी के लिए जो है आपको अपना इंतजार नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तो आपको यहाँ पर मेरे पीछे नहीं बैठना चाहिए, आपको जो अपना कार्य है वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि गुरु का अपमान होगा। वो जो है आपको शिक्षा यही देना चाहिए था कि जो नदी है वो अगर निरंतर प्रवाह से चलती रहती है, वो किसी का वेट नहीं करती, वो किसी का इंतजार नहीं करती, अगर नदी रुकना चाहती तो वो रुक सकती है कि गुरु जी मेरे रुकने का इंतजार कर रहे हैं, तो नदी नहीं रुकती है, नदी का जो प्रवाह है वो चलता रहता है। तो यही गुरु जी कहते हैं कि अगर आप मेरे रुकने से अगर आप रुकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग जो है गुरु का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन अपने जो कार्य है आपको अपना कार्य करना चाहिए। देखिए एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। किसी भी बहुमत का इंतजार मत कीजिए, जो आपका राइट वे है, जो आपका सही कर...